की रस्टिंग हो चुकी है काफ़ी इसमें, और मैं इसे पेंट करने जा रही हूँ। मैंने वाइट कलर का पेंट लिया हुआ है जिससे वाइट थोड़ा बेस उभर के आएगा, इसलिए वाइट कर रही हूँ मैं। और हम एक DIY प्लांटर बनाने जा रहे हैं। इसके एजेस काफ़ी मोटे लग रहे हैं मुझे, तो मैं इन्हें अब कट करूंगी। अगर आपके इक्वल हैं तो आप मत करिएगा। ये सेलोफिन मेरी कट चुकी है और ये देखिए रेक्टेंगल में है, कटी हुई है। और इसके ऊपर अब हम चलनी रखेंगे। चलनी को हमें पूरा पीछे से कवर करना है, लेकिन आगे से हमें सिर्फ हाफ सर्कल बनाना है, जैसे आधा चांद जैसा, इस तरह। और इसको अब हम पेस्ट कर लेंगे टेप या ग्लू की मदद से। पेबल्स लगाएंगे जिससे कि पानी पड़ने पर वो उछले ना बाहर, और खूबसूरत भी लगेगा पेबल्स डालने पर। पेबल्स को हम इक्वल एक लाइन जैसी, जैसे एक लेयर बन जाए। कट कर दिया मैंने, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए ना, जिधर लग रहा है फिर ये बढ़ेगा भी। वैसे इसमें स्पाइडर भी सुंदर लगेगा अगर लगाया जाए तो। इसे हम पानी से स्प्रे कर देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें चमक आ जाए। और ये देखिए प्लांटर हमारा बनके तैयार हो गया है। ये मुझे थोड़ा सा और भी लंबा लग रहा है, तो इसे भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा देख लेती हूँ, वरना कट कर देती हूँ, थोड़ा छोटा हो जाए क्योंकि बढ़ेगा भी ये बाद में। अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका व्यू देखिए आप।